प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना आज का लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमारा जो जैव अणु था बेटा, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही गजब तरीके से फोड़े हुए हैं। अब इसके बाद बच्चे, हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो है पढ़ने वाले हैं। अपनी पेन पेपर कॉपी रख के भैया अपने पास रखिए, फटाफट नोट करते जाइए, क्योंकि इस अध्याय के अंदर बेटा, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोला बेटा, हमारे जो है केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ जो हलवा चैप्टर्स हैं, जिसको आपको पढ़ के ही जाना है और यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। तो प्यारे बच्चे, यही हमारा एक चैप्टर है जिसका चैप्टर नंबर 16, जिसको आप लोग बोल रहे होते हो दैनिक जीवन में रसायन बेटा, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप लोग बेटा ये आप करने वाले हो, तो फटाफट जब ये आप कहो पेन पेपर कॉपी लेके लिख लिए अपने जब पास रखिए, और जो सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो चलिए बच्चे, यहाँ पे हम जो पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे, तो हम सबसे पहले बच्चे औषधि के बारे में पढ़ रहे होंगे। क्या बच्चा? औषधि के बारे में पढ़ेंगे। औषधि आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि औषधि क्या होती है सर, जो हम जड़ी बूटी यूज करते हैं, जड़ी बूटी लगाते हैं। प्राचीन दिनों में हम लोग क्या करते थे? जड़ी बूटी यूज करते थे। अगर हमको कुछ घाव होता था, हमको कुछ परेशानी होती, तो हमारे जो ऋषि मुनि जो थे बच्चे, ठीक है, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो लोग क्या करते थे? जड़ी बूटी देते थे, जिससे हमारी जो दुख तकलीफ थी, कष्ट पीड़ा थी बेटा, वो क्या हो जाती थी? दूर हो जाती थी। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर भाई हमारी औषधि क्या होती है। जब एग्जाम्स के अंदर आए औषधि के बारे में लिखने के लिए, तो आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। देखो बच्चे, यहाँ पे बात करता हूँ औषधि क्या होती है। औषधि वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग क्या करता है मनुष्य, क्या करता है बेटा? मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है जानवरों में रोग के रोकथाम के लिए यूज किया जाता है बेटा, रोकथाम के लिए यूज किया जाता है, उपचार में उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे क्या करते जाना है, आप लोग एग्जांपल पे फोकस करना है। क्या बच्चा? उदाहरणों पर क्या करना है? फोकस करना है, क्योंकि यहां से आपके उदाहरण से ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इस चैप्टर से पूरा ओवरऑल बच्चे आपको पूछा जाएगा कि भाई हमारा जो है ज्वरनाशी है, ठीक है, हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे, टॉपिक आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको भी एग्जाम से पूछे कि ज्वरनाशी के किन्हीं दो एग्जांपल्स को बताइए, तो बेटा आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी याद कर पाओ कि भाई आप उसको बता पाओ। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ऐसे आप उदाहरण के ऊपर यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मैं उदाहरण बताते जाऊंगा कि चीजें कैसे होती है। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, और ना ही प्यारे बच्चे आपको कोई ब्रीफ जो है डिस्कशन के बारे में बात किया जाएगा, या फिर एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा जाएगा। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बच्चे आपको एग्जाम्स के अंदर लिख के आना है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो पहला जो टॉपिक था बेटा, हम लोग औषधि के बारे में यहाँ पे जो है खत्म कर चुके हैं। औषधि क्या होती है, अगर और किसी बच्चों को अच्छे से जानना हो बेटा, वो बुक रिफर कर सकते हो, ठीक है। अगर बच्चे के पास अभी बहुत कम समय होता, तो मेरा वीडियो रिफर कर लो, एकदम क्लियर सारे बच्चों को। चलो भाई आगे बढ़ते फटाफट। देखो अपन यहां पे बात किया औषधि के बारे में, अब अपन बात करते हैं बेटा हमारा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक है, वो बच्चा क्या है? पीड़ाहारी दर्द निवारक के ऊपर बात करेंगे। ये बच्चा ये जो है पीड़ाहारी दर्द निवारक जो है हमको एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या बच्चे? मैंने बोला आपने भैया ध्यान से सुनना, यहां पे मैं क्या बोला, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आपको एग्जाम्स में पूछा गया, तो हम ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। प्यारे बच्चे समझ में आया सारे बच्चों को? देखो भैया इसको लिखते कैसे अपन, ठीक है, यहां पर जो है पीड़ाहारी दर्द निवारक आखिर होता क्या है? शरीर में जो भी दुख दर्द, भाई यहां पे किसी भी आशिकों की बात नहीं चल रही भाई, ठीक है, यहां पे एक्सटर्नली जो भी दुख होता है, ठीक है, जो दर्द होती है, पेन होता है बेटा, ठीक है, उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब बोल भैया यहां पे कोई बच्चे आएगा, सर मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या बोलेगा? बहुत बड़ी तकलीफ है, मेरा दिल टूट गया है सर। क्या बोलेगा? मेरा दिल टूट गया है। तो भाई उसके लिए कोई दवाई नहीं है यहाँ पे, इसकी यहाँ पे हम दवाई नहीं बांट रहे, ठीक है, तो हम सिर्फ जान रहे हैं बच्चा कि क्या है हमारी आखिर पीड़ा हरी दुख दर्द, ठीक है, दर्द निवारक क्या है। तो इसके बारे में बात करूं बेटा, क्या है? शरीर में दर्द से छुटकारा, ठीक है, रिलीफ पाने के लिए बेटा क्या होती है, ले जाने वाली दवाइयों को, ली जाने वाली दवाइयों को क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे पीड़ाहारी दर्द निवारक। क्लियर है सारे बच्चों को? जब हमको क्या होता है, फीवर होता है, जब हमारे बॉडी में पेन होती है बच्चे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पेन किलर लेते हैं, ठीक है, एक पेन किलर लेते हैं, वही पेन किलर की यहाँ पे बात हो रही है। सिंपल, एकदम इजी है, एकदम अच्छे से समझ में आया, ठीक है, कोई भी यहाँ पर रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है। एग्जाम्स के अंदर आए एकदम डेफिनेटली लिख के आना, छोड़ना मत भाई, पाप लगेगा अगर ये चैप्टर छोड़ दोगे, ठीक है, ये चैप्टर छोड़ के गए ना तो आपको पाप लगेगा। अब देख लो भाई अपन, अब क्या ऊपर जो है पाप चढ़ाना है, ठीक है, या फिर नहीं चढ़ाना है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शरीर में दर्द, जो भी दर्द होगी, कष्ट होगी, पीड़ा होगी, उसको दूर करने की जो दवाइयां यूज करते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीड़ाहारी दर्द निवारक, ठीक है। यहां पे दिल जले भैया दिल टूटे आशिकों की बात नहीं करेंगे अपन, क्लियर है, ठीक है। अब देखो
ये वो रसायन होते हैं बेटा जो क्या करते हैं दर्द में जो सूचना होती है ना बेटा, क्या होता है, पहुंचकर दर्द की सूचना देने वाले तंत्र को। अब देखो भाई क्या करता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल में थोड़ा सा जा रहा हूं बेटा, ठीक है, समझते जाना, फीलिंग को समझना यार, एकदम मजा आएगा, समझते जाना बस बातों को, क्लियर है सारे बच्चे को। देखो हमारी बॉडी में जब पेन होता है तो क्या होता है, वो तंत्रिका तंत्र से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है कि भैया इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस हाथ पे दर्द होता है बेटा, हाथ पे दर्द होता है, आपको पैसा पता चलता है कि आपकी जो ब्रेन में बेटा ब्रेन में बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र होती है वही क्या करता है, हमको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हमको जो है संकेत देता है कि यहाँ पे आपके पेन है, यहाँ पे आपके पेन है, ठीक है। तो हमारा जब दवाई लेते हैं बच्चे तो वो क्या करता है, सीधा सीधा तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और जो जहां पे जो पेन था उसको वो बंद कर देता है, उस सूचना को क्या करता है बेटा, समाप्त कर देता है, ठीक है, रोक देता है, ठीक है, उस सूचना को क्या करता है, रोक देता है, सूचना देने वाले तंत्र को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, रोक देता है, उसी को बच्चे इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो है पूरा का पूरा जो दर्दहारी, ठीक है, सॉरी पीड़ाहारी दर्द निवारक जो है बेटा, जो पेन किलर होता है वो काम करता है इस तरीके से, क्लियर है सारे बच्चों को, जिससे हमारा जो पेन होता है बेटा वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। समझ में आया सारे बच्चों को, बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों को, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया बेटा तो वो क्या करेगा, वापस से रिवाइज करेगा, बहुत इजी चैप्टर बेटा, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, इसको हम लोग फटाफट खत्म करेंगे, फिर उसके हम जो है चैप्टर नंबर 15 भी बाकी है यार, उसको तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, उसको तो बहुत गजब तरीके से करेंगे, ठीक है सारे बच्चों के लिए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात कर दूं ना सर, ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स की बात कर दूं, जब आपके जो है सर पे दर्द होता है तो बेटा आप लोग बाम लगाते हो, क्या लगाते हो, बाम लगाते हो, झंडू बाम, ठीक है, झंडू बाम लगाते हो, ठीक है, तो नाम कभी कभी बुक्स के अंदर ऐसा मेंशन होता है बच्चा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई, ठीक है, कोई भी हवा हवाई बातें यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है, कभी कभी बुक्स के अंदर ये मेंशन होता है कि भाई जब भी हमको दर्द होता है, सर पे दर्द, पैर पे दर्द, ठीक है, हम बाम यूज करते हैं। अब बाम के भी तरीके होते हैं, ठीक है, बाम के भी कई तरीके हो सकते हैं, उस तरीके के ऊपर हम यहाँ पे बात नहीं करते क्योंकि हमको स्टोर थोड़ी कौन ना इधर, ठीक है, हमको स्टोर थोड़ी कौन ना इधर, हमको तो सिर्फ दवाइयों के बारे में जाननी है, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई, अब बाम के बारे में बात हो गई है, तेल जो हम ऑयल यूज करते हैं कभी कभी हम जो है जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, है ना, दादा दादी, उनको थोड़ा क्या होता है हड्डियों में दर्द होता है, तो हम एक्सटर्नली यूज के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, तेल का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, ये सारी चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है यार, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, बाम का यूज करते हैं, तेल का यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग मैथिल जो है सैलिसिलिकेट के ऊपर भी हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैथिल सैलिसिलिकेट के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि भैया मैथिल सिलिकेट जो है आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, कभी कभी जो है पूछा जाता है मैथिल सिलिकेट जो है पीड़ाहारी है कि ज्वरनाशी है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि भैया मैथिल सैलिसिलिकेट जो है सिलेट जो है, ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या है, पीड़ाहारी जो है दर्द निवारक एक दवाई है, एक जो है हमारा टैबलेट होगा, ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अति भयंकर भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट बच्चा, एस्पिरिन के बारे में बात करेंगे, के बारे में बच्चा, एस्पिरिन के बारे में, ठीक है, तो आपको मैं जो या इसको जो फटाफट जो है क्या करता हूं, एक डब्बा बना के बताता हूं, क्योंकि भैया मेरे प्यारे बच्चे क्या है ना भैया, इजी नहीं समझते कोई चीजों को, ठीक है, सारी चीजों को एकदम टॉप नॉच लेवल पे पढ़ेंगे, तो बच्चे देखो ध्यान से, जो एस्पिरिन होता है, एनालिन होता है, ठीक है, ये जो टैबलेट्स होते हैं, ये जो दवाइयां होती है बेटा, आपको एग्जाम्स के अंदर जब आए या फिर जब भी आप क्या ये पूरा पढ़ो, पीड़ाहारी दर्द निवारक क्या होता है, पेन किलर क्या होता है बेटा, तो आपको ये एग्जाम्पल छाप के आना, लिख के आना है भाई, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। जब भी आप इस चैप्टर के अंदर जो कोई भी चीजें पढ़ो ना, तो वहां पे एग्जाम्पल्स लिख के ही आना है, समझ में आया सारे बच्चों को। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखो भाई बहुत आए, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, देखो ठीक, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चे, ज्वर निवारक क्या होता है, जब आपको जो है अब फीवर हो रहा होगा, जब आपको बच्चे फीवर हो रहा होगा तो आप क्या यूज करोगे, झंडू बाम लगाओगे वहां पे, नहीं, क्या लगाओगे बच्चा, बिल्कुल झंडू बाम नहीं लगाने वाले। झंडू बाम किस लिए होता है, एक्सटर्नली यूज के लिए, इसलिए बच्चा एक्सटर्नली यूज के लिए, ठीक है, तो जब आपको फीवर हो रहा होगा, ज्वर हो रहा होगा, फीवर को ही ज्वर बोलेंगे, ठीक है, ज्वर हो रहा होगा, फीवर हो रहा होगा, तो उसको हटाने के लिए, उसको जो है फीवर को भैया हमको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, हम बहुत सारे ऐसे पैरासिटामोल्स यूज करते हैं, ठीक है, हम ऐसा पैरासिटामोल यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ खाते हैं जिससे हमारा जो दवाई जो फीवर बेटा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारा ज्वर निवारक आखिर होता क्या है, ठीक है, इनका उपयोग है बेटा, ज्वर निवारक में क्या होता है, इनका उपयोग जो है ज्वर में शरीर के तापक्रम को कम करने में होता है बेटा। जब हमको फीवर होता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस बड़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, तो वो हमारा क्या है बच्चा, वो हमारा मसीहा कौन है यहाँ पे, ज्वर निवारक, ठीक है। अब देखो कम करने में होता है, इन क्या बेटा, इन औषधियों का उपयोग जो है ज्वर निवारक तथा दर्द निवारक दोनों में उपयोग में किया जाता है। जब भी आपको बेटा, जब डॉक्टर जो है कोई भी दवाइयां लिखते हैं तो क्या करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलो सर कि हमको जो है अब बॉडी में पेन है, तो कभी कभी डॉक्टर वही दवाई लिख के देता है। जब कभी कभी बोलो बच्चे कि मेरे को जो है
ठीक है, जब आपको फीवर होता है, जब बच्चे साथ साथ बॉडी पेन भी होता है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। जब बॉडी पेन होता है तो भैया आपको अलग अलग दवाइयाँ नहीं देती, अलग अलग दवाइयाँ नहीं देती, एक ही दवाई दे देंगे। और क्या करेंगे भैया, ये जो है पेन के लिए भी काम करेगा, जब आपको फीवर है बेटा इसके लिए भी काम करेगा। तो इस प्रकार से बच्चे हमारा जो है ज्वर निवारक जो है ये क्या करेगा बच्चे, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, एज अ क्या करेगा बेटा, ठीक है, एज अ क्या करेगा, देखो बच्चे ध्यान से, पीड़ाहारी जो है दर्द निवारक की भांति काम करेगा, और साथ ही ज्वर निवारक की तरह भी काम करेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं भाई। अगर नहीं क्लियर होगा तो क्या करना है आपको, लिख लो भाई क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि सर मेरे को क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो हम उस टॉपिक में बहुत गजब तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। हाँ, एक और बात, ठीक है, एक और बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी दिक्कत होता है ना, बच्चा थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत होता है केमिस्ट्री के अंदर, कोई क्वेश्चन के अंदर, या फिर कोई जो है रिएक्शन के अंदर, तो बेटा आप जो है ना उसको कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा, पिन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे मेरे को पता चल पाएगा ना भाई आपकी दुख रहे, आपको तकलीफ है भाई, आपको पेन हो रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है, ठीक, आपके पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे उनको बताओगे तो वो कैसे जानेगा, कैसे जानेगा, समझ में आया? तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तभी तो हम लोग की बॉन्डिंग जो रहेगी, हम लोग की जो इश्क मोहब्बत रहेगी बेटा, ठीक है, वही तो तभी अच्छे से कायम रह पाएगी ना, तभी तो मजबूत हो पाएगी, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, ठीक है। हम लोग की जो इश्क मोहब्बत होने वाली है आपकी और मेरी, ठीक है, आपकी और मेरी जो बॉन्डिंग होने वाली बच्चे, ठीक है, इसका मोहब्बत कहने का मतलब बॉन्डिंग प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे वीडियो को, ठीक है, आपको जो है अगर ये लेक्चर जो है अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो आप कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा सारी चीजें, समझ में आया सारे बच्चे को? तो क्लियर है बच्चा, इतनी सारी चीजें आपको बहुत गजब तरीके से क्लियर होगी। अगर बच्चे मैं बोलूं कि ज्वर निवारक की कितने जो है उपसमूह होते हैं बच्चे, तो मैं बोलूंगा दो। कितने बच्चे? दो उपसमूह होते हैं। पहला जो होता है बेटा नार्कोटिक होता है, और दूसरा जो होता है नॉन नार्कोटिक होता है। आप लोगों ने कभी मूवीज में सुना होगा कि भैया इस जो है एक्टर का, ठीक है, इस जो है अभिनेता का क्या हो गया, नार्कोटिक टेस्ट हुआ, नार्कोटिक टेस्ट हुआ। तो नार्कोटिक क्या बोलता है बच्चा, अगर वो एक्टर कुछ ड्रग्स यूज किया होगा, कुछ नशीले जो है पदार्थ यूज किए होंगे, तो वो नार्कोटिक पे जाता है, तभी होता है ना। तो उसी के बारे में पढ़ते, देखो फटाफट, हमारा पहला जो टाइप होता है बेटा क्या होता है, नार्कोटिक, ठीक है, नार्कोटिक की बात करूं मैं। अब नार्कोटिक में बात करूं बच्चे, तो यहां पे हिंदी में इसको हम लोग स्वापक भी बोलेंगे। क्या बच्चा? स्वापक। तो कभी भी एग्जाम्स के अंदर स्वापक पूछे या फिर बट्टा नार्कोटिक पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीजें होती है, ये तो एकदम पक्का है, ठीक है। अब देखो इस वर्ग में क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है, अफीम। क्या बच्चा? अफीम, ठीक है, अफीम। इसके उत्पन्न होते हैं अफीम एवं उनके जो है व्युत्पन्न होते हैं, अफीम और जो उसके व्युत्पन्न होते हैं, समझ में आया सारे बच्चों को? अब देखो जैसे कि मॉर्फिन और कोडेन की मैं बात किया बच्चा, मॉर्फिन और कोडेन जो है मेजर जो है नार्कोटिक जो है हमारे ड्रग्स पे आते हैं, ठीक है, नार्कोटिक जो है ड्रग्स पे आ रहे होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, ये मेरा जो है कोडेन का स्ट्रक्चर है, ये मेरा जो है कोडेन का स्ट्रक्चर है, और ये बच्चे मेरा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ये इस प्रकार से आपको दिखता है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा लेन देन की बात नहीं होगी बच्चे स्ट्रक्चर के बारे में, फिलहाल ये स्ट्रक्चर आपको जो है कॉपी के अंदर होना चाहिए, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, चलो, ठीक है। अब देखो नार्कोटिक जब डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा जाता है, कोई भी जो एक्टर जाता है या फिर कोई भी चीज कोई भी लोग जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उसको उस ड्रग्स की, ठीक है, उसको उस ड्रग्स की क्या होता है बेटा, आदत हो जाती है, लत हो जाती है, तो उसी के बारे में बात की जाती है। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है बेटा, इसमें लत या आदत का गुण होता है। क्या होता है बच्चा, ये जो ड्रग्स होता है ना इसमें क्या करता है, लोगों को आदत दिला देती है। आदत का क्या होता है, गुण होता है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर क्या होता है बेटा, निद्रा या फिर अचेतन अवस्था उत्पन्न होती है। मतलब ये भैया एकदम क्या होता है, क्या होता है, बेहोशी की हालत में होता है, उसको कोई भी जो है पता नहीं होता कि क्या चीजें हो रही, अचेतन अवस्था में होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो समझ में आया, देखो निद्रा हो जाती है, मतलब सोने में थोड़ा सा क्या होता है बेटा, ये जब सेवन करेंगे इसका, ठीक है, इसको जब लेंगे, जब ड्रग्स को लेंगे, तो थोड़ा सा क्या होता है, नींद आती है। समझ में आया सारे बच्चों को? लेना नहीं है भाई, ठीक है, गंदी चीजें यहाँ पे नहीं करनी है, समझ में आया ना, बहुत बुरी चीजें, इन सारी चीजों से दूर रहना बच्चा, ठीक है, इन सारी चीजों से दूर रहना। क्लियर है? समझ में आया सारे बच्चों को? चले भैया नार्कोटिक की बात खत्म हो गई, अब भैया हम पढ़ते हैं नॉन नार्कोटिक की बात करते हैं, जिसको हम लोग अस्वापक बोलेंगे बेटा, ठीक है, अस्थापक बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं अस्वापक, ठीक है, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम अस्वापक, ठीक है, अस्वापक बोलेंगे बेटा। अस्वापक क्या होता है, इस और जैसे देखो दिखा यहाँ पे क्या होता है, गुणों या फिर बेगुण में क्या होता है, इसकी लत हो रही थी, आदत हो रही, तो यहाँ पे आदत नहीं होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, लत का गुण नहीं होता है, क्या होता है, इस औषधि में लत का गुण नहीं होता था, तापमान क्या करता है, कम कर सामान्य कर देने का गुण होता है,
क्या होता है बेटा, तापमान कम कर देने पर सामान्य क्या करते हैं, टेम्परेचर रखते हैं। मतलब सिंपल सी बात है भैया कि यहाँ पे हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बच्चे अपन लोग ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स मतलब ड्रग्स का हम लोग दवाइयों ही बोलते हैं बच्चे, एक्चुअल हम क्या करते हैं दवाइयां ही बोलते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे ऐसे दवाइयों का उपयोग करेंगे, ऐसी औषधि के बारे में उपयोग करेंगे जो किसी भी मनुष्य को क्या करते हैं, लत करा देते हैं, ठीक है, लत लगा देते हैं, समझ में आ रहा बच्चों को। और जो है इसका जब सेवन करते हैं बेटा, ठीक है, जैसे हमारे पास जो है कोडीन है, मॉर्फिन है, इसका जब सेवन होता है तो क्या हो जाता है कि मनुष्य जो होता है उत्तेजित हो जाता है, ठीक है, उत्तेजित होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, टेम्परेचर क्या होता है बढ़ने लग जाता है, लेकिन नॉन नॉर्कोटिक में क्या होता है बच्चे, नॉन नॉर्कोटिक में इसका टेम्परेचर क्या होता है कम होने लगता है, सामान्य मनुष्य की तरह क्या होता है गुण जो है रखने लगता है, ठीक है। जैसे उत्तेजित मनुष्य बहुत क्या करता है बेटा, इधर उधर छटपटाता रहता है, कुछ भी करता रहता है ना, तो वहां पे ये जो है एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, टेम्परेचर को कम करता है। मैंने आपको ये भी बोला है प्यारे बच्चे कि टेम्परेचर को कम कौन करता है, टेम्परेचर को कौन कम करता है, ज्वरनाशी, तो यहां पे ज्वरनाशी का एग्जांपल आप उसको भी ले सकते हैं बेटा, वहां पे मैंने आपको बताया था एस्पिरिन बोला हुआ था बच्चा, यहां पे एस्पिरिन दिख रहा है, यहां पे पैरासिटामोल दिख रहा है, ठीक है, पैरासिटामोल और एस्पिरिन बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा प्राइम एग्जांपल है नॉन नॉर्कोटिक का, इसके लिए नॉन नॉर्कोटिक का और साथ ही साथ ज्वरनाशी का, ठीक है, एस्पिरिन लिख लो बच्चा भैया, एस्पिरिन और पैरासिटामोल जो है आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्लियर है सारे बच्चों को, तो ये एग्जांपल आप भूलिएगा नहीं भैया, ठीक है, ये एग्जांपल आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पैरासिटामोल का या हमारे एस्पिरिन का, ठीक है, एस्पिरिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा पूतिरोधी के बारे में, ठीक है, पूतिरोधी आकर क्या होता है, पूतिरोधी बेटा जब भी आपको क्या होता है, जब भी कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी आपको जो है पैर पे लगे खेलते खेलते या फिर कोई भी चीज लग जाती है, ठीक है, तो वहां पे हम कुछ भी एक मलहम लगा रहे होते हैं, क्या बच्चा, एक लोशन या फिर मलहम लगा रहे, तो वो मलहम क्या करता है बेटा, अब समझो की बात है, हमारा जो पूरा बॉडी जो है, ठीक है, हमारा जो पूरा बॉडी है वो कैसे बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है, किससे बच्चा, सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, अब वहां से जब मेरी बॉडी में थोड़ा सा कहीं पे लग गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है कोई बच्चा क्या होता है गाड़ी वाड़ी से गिर गया, कभी भैया थोड़े टसन रहते हैं ना लोगों के भाई, तो क्या होता है गाड़ी से गिर गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है हमारे जो बॉडी के कुछ पोर्शन क्या होते हैं छिल जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कुछ ऐसे निकल जाते, क्या होते बच्चे, कुछ पोर्शन छिल जाते हैं, अब छिलने से क्या होगा बच्चा, वहां के जो हमारी कोशिका रहेगी वो क्या करेंगे निकल जा रहते हैं, अब वहां पे जब हम लोग मलहम नहीं लगाएंगे, दवाई नहीं लगाएंगे, तो वहां पे जो जीवाणु होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो उसको क्या करेंगे गलाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस बैक्टीरिया को, उस जो है जगह को इन्फेक्टेड ना करे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा पूतिरोधी का, मलहम का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान से रखना, पूतिरोधी क्या करता है बेटा, संक्रमण को दूर करने वाला साधन, क्या बच्चा, पूतिरोधी जो है संक्रमण को दूर करने वाला साधन है, जिसमें जिसे त्वचा घाव आदि पर सीधे लगाया जाता है, क्या बच्चा, सीधे लगाया, मैं जैसे कि आपको बोला हुआ है कि कोई भी हमारे पास जो घाव होता है बेटा वहां पे सीधा हम अप्लाई करते हैं, मलहम की बात किया हूं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे सीधा जीवित उनको पर लगाया जाता है, क्या होता है इसे सीधे जीवित उनको, ठीक है, उत्तकों पर बात करूंगा, ठीक है जीवित उत्तकों पर लगाया जाता है, ऐसे बोलूंगा उनको नहीं होता, ठीक है, जीवित उत्तकों पर लगाया जाता है, ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया भैया, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दोगे, सर थोड़ा और बता दो, थोड़ा और बता दो करके लिख देना, मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से और वीडियो ला दूंगा, क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया। अब देखो भैया, अगर पूतिरोधी के टाइप्स की मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो यहां पे कितने टाइप्स के पूतिरोधी होते हैं भैया, कार्बनिक रंजक पहला जो टाइप होगा प्यारे बच्चे वो क्या होता है, कार्बनिक रंजक। अब ये कार्बनिक रंजक आखिर क्या होता है, सर उसको ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, कुछ कार्बनिक रंजक ऐसे होते हैं भैया, कैसे होते हैं, ठीक है, एरिस्क्लेविन, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना बेटा, एरिस्क्लेविन, ठीक है, म्यूर, ठीक है, एरिस्क्लेविन, मर्क्यूरो, क्या बच्चा, एरिस्क्लेविन, मर्क्यूरो, क्रोम और जीनियस वायलेट, क्या बच्चा, जीनियस वायलेट, ये हमारे क्या होते हैं कुछ कार्बनिक रंजक होते हैं, क्या करते हैं कार्बनिक रंजक होते हैं, जो क्या करते हैं सूक्ष्म कीटाणुओं को मारने का गुण रखता है, क्या बच्चा, जो सूक्ष्म कीटाणु जो होते हैं, यहाँ पे कीटाणुओं की बात हो रही है, ठीक है, किसकी, कीटाणुओं की बात, जीवाणु की बात नहीं हो रही, कीटाणु जीवाणु अलग होते हैं बच्चे, क्लियर है, समझ में आया, कीटाणु और जीवाणु जो अलग अलग होते हैं, तो भाई यहाँ पे कीटाणुओं के मारने के ऊपर बात की गई है भैया, कि कौन जो है हमारा कार्बनिक रंजक जो है ये क्या करता है कीटाणुओं को जो है सूक्ष्म कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है, किल करने का काम करता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आयोडीन यौगिक की मैं बात करूं, तो आयोडीन यौगिक क्या करता है, जब टिंचर आयोडीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब भी आपको कुछ भी दवाया कहीं पे दिक्कत हो जाती है, छिल जाता है, हाथ पर लग जाती है, तो बेटा वहां पे आप टिंचर करते हो, आयोडीन का टिंचर करते हो, ठीक है, तो इसी की बात की गई, टिंचर आयोडीन क्या करेगा, टिंचर आयोडीन में आयोडो का कार्य क्या होता है बेटा, कार्य का उपयोग जो है प्रतिरोधी के रूप में, टिंचर आयोडीन में जो आयोडो लगते हैं, जो आयोडीन यूज करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं टिंचर के रूप में करते हैं, टिंचर मतलब जब भी आपको कुछ भी दवाई होती है बेटा, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे आप बैंडेज यूज करते हो, ठीक है, बैंडेज यूज, तो वो हमारे एक टिंचर है, क्या बच्चा, टिंचर है,
समझ में आया, वो एक बैंड है जो जहां पे हमको लगता है बेटा तो उस साइड पे अपन उसको चिपका देते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से वो क्या करता है, हमारा जो टिंचर आयोडीन जो है, टिंचर आयोडीन बेटा वो काम करता है, टिंचर यौगिक की बात हो गई। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया, बहुत गजब तरीके से समझ में आया, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको बेटा, जब भी आप गिर के आते हो, कहीं पे जाते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आपको मम्मी बोलती होगी सर, सॉरी, ठीक है, मम्मी सर कैसे बोलेगी यार, है ना। तो बच्चे क्या होती है, मम्मी बोलती है कि बच्चे, ठीक है, यहाँ पे तुमने गिर के आया, ठीक है, एक पहले, सबसे पहले तो थप्पड़ लगा रही होगी, ठीक है, सबसे पहले तो थप्पड़ लगा रही होगी कि भाई कैसे करके आया, ठीक है, कहाँ खेल के आया तू, ठीक है, कैसे गिरा, क्या हुआ, फिर बहुत बहुत बातें होती है भाई, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है कि डिस्कशन कर चुके, फिर जाके अंत में क्या होता है कि ये है, ये डेटॉल है, इससे साफ कर ले अपने घाव को, ठीक है। तो वही डेटॉल की बात हो रही है बच्चा, यहाँ पे क्या होता है, डेटॉल सामान्य उपयोग में आने वाला एंटीसेप्टिक होता है, क्या बच्चा, डेटॉल जो होता है हमको कोई भी जनरल फॉर्म पे होने वाला जो है, यूज करने वाला हमारा एक एंटीसेप्टिक होता है, जो आपको भली भांति इससे परिचित हो। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मेरे को जरूरत नहीं है कि उसका यूज कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे कंडीशन पे होता है, इसके बारे में मेरे को यहाँ पे कोई भी किसी तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ही भली भांति से परिचित होंगे, समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो यहाँ पे क्लोरोजाइलान की बात करूँ, ठीक है, क्लोरोजाइनॉल की बात करूं या फिर जो है टर्मिनियोल की बात करूं, तो ये क्या करेंगे, विलायक की भांति काम करते हैं बच्चा, विलायक की भांति काम करते हैं, विलायक में बना हुआ क्या होता है, विलयन होता है, क्या बच्चा, विलायक में बना हुआ विलयन होता है। ये सारी चीज याद करने की आपकी नीड नहीं है, सिर्फ आप याद रख लो बच्चे कि हमारा डेटॉल आखिर क्या करता है, डेटॉल हमारा जो है एज एंटीसेप्टिक काम करता है। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया फटाफट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भैया, ठीक है, कीटाणुनाशी की मैं बात करूं भैया, कीटाणुनाशी से बोलने से ही समझ में आ रहा है कि भाई कीटाणुनाशी कीटाणु को मार देगा, किल कर देगा, खत्म कर देगा, टाटा बाय बाय कर देगा, समझ में आया। देखो क्या होता है कीटाणुनाशी में, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं बच्चा, कि सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं, कीटाणुओं को मार देते हैं, परंतु जीवधारियों में लगाने के लिए सूक्ष्म, क्या होता है, जीवधारियों में लगाने के लिए सुरक्षित नहीं होते। क्या बोला मैंने, कीटाणुनाशी ऐसे जो है सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा, ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो क्या होता है, जीवाणुओं को कीटाणुओं को मारने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन हमारे जीवधारियों के लिए, हम जैसे जीवधारी है ना, हम जीवधारियों के लिए क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता, सुरक्षित नहीं होते। इसे क्या बेटा, इसे अलग से श्रेणी में रखा जाता है, अलग से कीटाणुओं की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है बेटा, हानिकारक होते हैं, हमारे लिए जहरीले होते हैं, इसलिए हम इसको जो है यूज नहीं करते, हम जीवधारी जो है इसका यूज नहीं करते। जीवधारी मतलब जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, लिविंग जो हमारे पास, जैसे मैं, हम लोग लिविंग है, हम लोग जीवित है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, ठीक है, कीटाणु बैक्टीरिया की बात नहीं कर रही भी, यहाँ पे हम जैसे जीवित है ना, भी उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हम जैसे लोग जीवधारियों में क्या होता है बच्चा, लगाने में सुरक्षित नहीं होते, इसे जो है अलग से श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा, तो क्या होता है, KMnNO4, क्या भैया, KMnO4, ठीक है, KMnO4 और साथ साथ H2O2 जो है हमारे लिए क्या होता है, प्राइम जो है कीटाणुनाशी होते हैं, प्राइम कीटाणुनाशी होते हैं। लेकिन भैया जब हमारे जो है कभी भी इन जनरल यूज करने की बात हो, तो हम फिनॉल का भी यूज करते हैं। फिनॉल क्या करते हैं, हम जो है फ्लोर पे क्या होता है बच्चा, तो फिनॉल क्या करता है, फिनॉल क्या करता है, फ्लोर में जब भी कीटाणु होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होता है, आपने ऐड भी देखा होगा, तो यहाँ पे फिनॉल यूज करने की बात की जाती है, तो वही फिनॉल की बात हो बेटा, ठीक है, फिनॉल या फिर क्रिसॉल, यहाँ पे जो है कीटाणुनाशी की तरह काम किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया होगा, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे बहुत ईजी ना, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले, यहाँ पे मेरे को कोई भी डायग्राम नहीं बनाना, मेरे को कोई भी चीज़ें यहाँ पे कुछ नहीं करनी होगी भैया, क्योंकि ये तो भैया थ्योरी है, क्या है, थ्योरी है, और थ्योरी बच्चे तो मैं आपको ये सही बताऊंगा, ठीक है, ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे ही डिलीवर करूंगा, और साथ साथ बच्चे इसको अपने कॉपी के अंदर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको 3 नंबर देने वाले, बहुत हलवा बहुत लड्डू चैप्टर बेटा, ठीक है। रसगुल्ला की मैं बात कर देता हूं, क्या बच्चा, रसगुल्ला चैप्टर है, ठीक है, इसको बस खाने में मजा आ जाता है। देखो बच्चा, अब मैं प्रशांतक की बात करूं, तो प्रशांतक को आप लोग ना बेटा अपने कॉपी के अंदर जो स्टार बना के लिखे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भैया ये इस साल आ सकता है कि नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन आपके जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे को लग रहा है बेटा, मेरे को 100% लग रहा है कि ये प्रशांत तक इस साल पूछा जाएगा। तो आप लोग बच्चे क्या कीजिएगा, अपने कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से इसको स्टार बना के लिखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाए तो बच्चे ये पूरा पढ़ के जाइए कि आखिर प्रशांत तक होता क्या है, समझ में आया, फटाफट देखते हैं, ठीक है। प्रशांत तक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं बच्चे, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या होता है, प्रभावित, डायरेक्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, प्रभावित करता है, तथा उत्तेजित मानसिकता को क्या करता है, कम करता है, शांति देता है, ठीक है। जब भी कोई भी उत्तेजित होती है बेटा,
कोई भी ऐसे जो है मनुष्य होते हैं जो उत्तेजित होते हैं, थोड़ा एकदम क्या होते हैं इधर उधर तड़पते रहते हैं, मचलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे उत्तेजित मनुष्य को जो है शांत रखने के लिए प्रशांतक का यूज किया जाता है। प्रशांतक का क्या बच्चा यूज किया जाता है, समझ में आया बच्चों को? देखो एक बार वापस से मैं पढ़ दे रहा हूं। देखो प्रशांतक ऐसा रासायनिक सब्सटेंस होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या बच्चा प्रभावित करते हैं और साथ साथ उत्तेजित मानसिकता वाले को क्या होता है शांति पहुंचाते हैं, शांति देते हैं, ठीक है, शांति पहुंचाते हैं। इसलिए इनका नाम जो है इसलिए इनका यूज जो है बेटा, ठीक है, क्या होता है मानसिक रोगों के उपचार में होता है, ठीक है। अब मानसिक मानसिकता से जो है बेटा पीड़ित है ऐसे लोगों पे यूज हो रहा है तो हम मानसिक उपचार में डेफिनेटली यूज होना ही था। क्लियर है सारे बच्चों? अगर मैं बच्चे आपको जो यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात करूँ कि आखिर हम जो है प्रशांतक की कौन कौन से टाइप्स की बात होते हैं सर यहाँ पे, तो ध्यान से देखना बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूँ समक औषधि। क्या बच्चा? समक औषधि, ये ऐसे मरीजों के भी दिया जाता है बेटा, ये ऐसे मरीजों को दिया जाता है समक औषधि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा उत्तेजित होते हैं, ठीक है। ऐसे जो है लोगों को दिया जाता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उनको हम लोग समक औषधि देते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? अब आगे बढ़े थोड़ा फटाफट। अब एंटी डिप्रेशन की बात करूं, ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसे शिकार लोगों को क्या होता है यहां पे एंटी डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती है। समझ में आया? एंटी डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती है, तो वहां पे क्या लिखना है बच्चे आपको, ठीक है, ये इन मरीजों को दिया जाता है जो अत्यधिक क्या होता है मायूस होते हैं बेटा, मायूसी में होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा उनकी मानसिक जो स्तर होती है वो सुधर जाए, ठीक है। अब अत्यधिक क्या होगा बेटा मायूस होंगे, एकदम डिप्रेस्ड रहते, कई लोग होते हैं ना भैया, तो वो भले पता ना चले लेकिन हम डिप्रेस होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन बीमारी है बच्चे, ठीक है, डिप्रेशन एक रियल जेन्युइन बीमारी है। क्या बोला मैंने? एक रियल जेन्युइन बीमारी है, ठीक है। तो आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा हो, कोई भी ऐसा, तो उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार बात कर लीजिएगा, एक बार पूछिए कि भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है, सब खैरियत है, सब अच्छे से चल रहा है ना, तो एक बार ये पूछ लिया करें, ठीक है। क्लियर बच्चे? समझ आए सारे बच्चों को? अब देखो यहाँ पे मरीजों की मैं बात कर रहा हूँ, ये अत्यधिक जो है मायूस लोगों को दिया जाता है, मतलब जो डिप्रेशन का शिकार होता है ऐसे लोगों को क्या होता है बेटा डिप्रेसेंट दिया जाता है, डिप्रेसेंट दिया जाता है दवाई के तौर पर, डिप्रेसेंट दिया जाता है बच्चे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से ऐसे दवाई देती है बच्चे, तो पहली जो दवाई बच्चा क्या होता है कोकेन मेथाडोन, ठीक है, कोकेन मेथाडोन और जो है वाइटेलिन। क्या बच्चा? वाइटेलिन, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीजें यहाँ पे लिख दिया और भी बाकी चीजें होती है यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते उसकी, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें आपके लिए एकदम इनफ एंड सफिशियंट है। समझ में आ सारे बच्चों को? चलो देखिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बच्चा आपको इसी के साथ साथ जो है मैं निद्राकारी की बात करता हूँ। निद्राकारी एकदम बोलने से ही समझ आ रहा है कि निद्राकारी होता क्या, जहां से अपन को नींद आती बेटा, ऐसे सबसे ऐसे दवाई है जहां से जो है हमको नींद आने स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग निद्राकारी बोलेंगे, सिंपल सा, ठीक है। अवे प्रशांतक जो औषधि होती है जिनके द्वारा मानसिक तनाव और चिंता दूर हो जाती है और हमको सुकून मिलता है भैया, निद्रा आ जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? निद्राकारी के बारे में बात करेंगे। अब मूर्छाकारी की मैंने बात कर दी बेटा, मूर्छाकारी आखिर क्या होता है? देखो ध्यान से, जब भी आपको कोई भी सर्जरी करनी होती है, ठीक है, डॉक्टर जब आपकी कभी भी कोई भी चीज़ों की सर्जरी करते हैं या फिर कभी आपको कहीं पे लग गया होता है, तो सर्जरी के दौरान क्या होता है, कई भी पोर्शन को, किसी भी पोर्शन को क्या होता है वो लोग क्या करते हैं, सुन्न कर देते हैं, ठीक है, सुन्न कर देते हैं, मूर्छा अवस्था में ला के रख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको कभी भी वहाँ पे पेन ना हो, ठीक है, अभी आपको वहाँ पता भी नहीं चले कि यहाँ पे सर्जरी हो गई है, पेन ना हो, इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मूर्छाकारी का यूज़ करते हैं। तो इस पे अपन को लिखना क्या होता है, पहले बच्चे वहाँ पे ध्यान से देखना, इन औषधियों का उपयोग जो है बेटा मूर्छाकारी जो है उदासी तथा जो है दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ पहले बच्चे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपियम, ओपियम का यूज जो है बच्चा हम लोग जो है मुद्राकारी में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मूर्छाकारी में बात कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ बेटा हम लोग जो है पेथियम, ठीक है, पेथिडिन की बात करेंगे, और बच्चे हीरोइन, ठीक है, ये हमारे जो कोई क्या क्या होते हैं हमको जो है मूर्छाकारी में जो क्या करते हैं हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? एकदम बहुत गलत तरीके से समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चा अब एक टर्म आता है बच्चे एंटी फर्टिलिटी, ठीक है। जब मेरे बायोलॉजी वाले मेरे प्यारे से गुलगुले से बच्चे होंगे वो लोग वह फर्टिलिटी के बारे में जो है बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि फर्टिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो फर्टिलिटी बच्चा, फर्टिलिटी में क्या होता है, हमको जो है हमारे जो नर जनन अंग जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, नर जनन होते हैं, वहां पे शुक्राणु का जो है क्या होता है, शुक्राणु जो बनते हैं, और मादा जनन में क्या होता है बेटा, मादाओं में क्या होता है कि भैया वहां पे अंडाणु बन रहे होते हैं, तो वो क्या होता है दोनों के संयुग्मन से, ठीक है, एक जो है बेबी का जो है जन्म होता है बेटा, तो यही तो बात होती है। तो उसी को फर्टिलिटी को, इसी को बच्चा बनने की जो प्रक्रिया है फर्टिलिटी को, इसको रोकने के लिए हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी का यूज करते हैं, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी का यूज करते हैं। सब बच्चे एकदम नॉलेजेबल चीज है, इसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी का यूज करते हैं। इसके साथ ही बेटा इसको प्रतिजनन क्षमता भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, प्रतिजनन औषधि, प्रतिजनन क्षमता भी बोल रहे होते हैं। इस पर क्या लिखना है बच्चे आपको, ठीक है, रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग जो है महिलाओं में, रासायनिक पदार्थ
जिनका उपयोग जो है महिलाओं में प्रेगनेंसी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी के नियंत्रण के लिए बच्चे महिलाओं में क्या होती है, ये जो है प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है, एंटी फर्टिलिटी औषधि का उपयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चे, सारे बच्चों को? इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं बेटा, तो एग्जाम्पल्स आपको एकदम बहुत गजब तरीके से याद रखना है बेटा। इसको पहला जो एग्जाम्पल होगा मेस्ट्रोनॉल, बच्चे क्या होता है मेस्ट्रोनॉल, मतलब पहला एग्जाम्पल। दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा क्या होता है नॉरएथिनड्रोन, क्या बच्चे नॉरएथिनड्रोन, ठीक है। तो ये आपको जो है दो एग्जाम्पल एकदम प्राइम एग्जाम्पल है बच्चे, इसको याद करके रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और पूछा गया है। क्लियर सारे बच्चों को? समझ में आया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं भैया एंटीबायोटिक की बात करता हूं बेटा, एंटीबायोटिक आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना के लिख दो भाई, ये स्टार बना के ऐसे इसको लिख दो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो एंटीबायोटिक क्या बोलता है, प्रतिजैविक क्या बोलता है, ऐसे रासायनिक सब्सटेंस, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्या बच्चा सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और खुद को सारे सूक्ष्म जीवों को ही मार देते हैं, ये हमारे क्या होते बेटा एंटीबायोटिक होते। मतलब ऐसे भैया ऐसे धोखेदार लोग, ठीक है, एंटीबायोटिक होते मतलब हमारे एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ऐसे जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है और भैया वही जो है बाकी जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करते हैं मार देते हैं, खत्म कर देता है, उसी को अपन बोलते हैं क्या क्या बोलेंगे बच्चा, प्रतिजैविक बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे, ठीक है। एक बार डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं उसे हम एंटीबायोटिक बोलेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं बच्चे, बहुत जबरदस्त एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। आपने पेनिसिलिन के बारे में सुना होगा, पेनिसिलिन क्या होता है करके, ठीक है, एलेक्जेंडर सर ने किए थे, ठीक है। पेनिसिलिन के बारे में आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, पेनिसिलिन जहां हमारा क्या एक एंटीबायोटिक है, तो ध्यान सुन रहे बच्चे, ठीक है। पेंटेनाइल, पेंटेनाइल बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेंटेनाइल बेंजाइल पेनिसिलिन जो होता है हमारा एक एंटीबायोटिक होता है, प्राइम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। क्लियर सारे बच्चों को? अब बच्चे मैं एंटीबायोटिक की बात करूं तो यहां एंटीबायोटिक हमारा क्या होता है, प्राकृतिक यौगिक होता है बेटा, क्या होता है, प्राकृतिक यौगिक होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत गलत तरीके से। अब देखो पेनिसिलिन के कुछ गुण होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, ये तो सारे आप जो है हमारी जनरल नॉलेज, इसका आविष्कार जो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर सन ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सन ने किया था, ठीक है, इसको उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, ठीक है। सारी चीज आप लोग पढ़ लेना, बहुत जाए यहाँ पे डीप में जाने की नीड नहीं है आपको, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी तैयारी करनी है। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? अब देखो पेनिसिलिन के कुछ गुण होते हैं प्यारे बच्चे, इसको आप लोग जो है फटाफट जो है अपने कॉपी के अंदर लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो कुछ और एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी किसी तरीके से किसी भी बच्चों को नीड नहीं है इसको एक्सप्लेनेशन देने की, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन के बाद यहाँ पे खत्म हो गया। पेनिसिलिन के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में यहाँ पे अपन बात कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, देखो ठीक है, अगर मैं एंटी एसिड की बात करूं बेटा, प्रति अम्ल की बात कर दूं तो प्रति अम्ल क्या बताते हैं अपने को, देखो वो ऐसे औषधि होते हैं जब पेट में हाइड्रोजन आयन या फिर सांद्रण या फिर अम्लीयता को क्या करता है बेटा, कम करता है, एंटी एसिड, ठीक है। जब आप लोग बच्चे आपके जो है बहुत ज्यादा अपने नानी के घर गए, आप बहुत ज्यादा कुछ भी खा लिए, बहुत ज्यादा कुछ भी खा लेते हो, ठीक है, कुछ भी खाने के बाद क्या करते हो आप लोग, ठीक है, कुछ भी खा लिए एकदम जो है बहुत ऐस में, अरे नानी भैया हमको लिए हमारे लिए पूड़ी बनाई, हम लिए भज्जी, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भजिया बना दी, पकौड़े बना दिए, तो हम लोग क्या करते हैं बड़े दबा के खा लेते हैं। अब दबा के खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पेट में गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। उसी एसिडिटी को कम करने के लिए बेटा हम लोग कुछ भी ऐसे एंटी एसिडिक जो है कोई हम लोग क्या करते हैं सब्सटेंस लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, उसी को बोला जाता है बेटा यहाँ पे एंटा एसिड के बारे में बात की गई। एंटा एसिड क्या होता है, प्रति अम्ल के बारे पे यहाँ पे बात की गई, एकदम ध्यान से सुनते रहना। जब आप लोग क्या होते हैं, जब आपके पेट में गैसेस बन जाती है तो आप लोग क्या करते हो बेटा, वहां पे जो है इनो का यूज करते हो, कोई भी एंटा एसिड जो है दवाई का यूज करते हो, ठीक है, उसी के बारे में बात हुई। फटाफट देखो, ऐसे औषधि जो पेट में हाइड्रोजन तथा अम्लीयता जो बढ़ी रहती है उसको कम करते हैं, क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं, हाइड्रोजन को कम करते हैं, या फिर भैया अम्लीयता जो बनी रहती है, एसिडिटी जो बनी रहती है उसको कम करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एंटा एसिड या फिर प्रति अम्ल कहते हैं, क्या बच्चा, प्रति अम्ल, जो अम्लता को रोकती है, अम्लता ना बने पेट में, ठीक है, एसिडिटी ना बने पेट में, सिंपल उसको जो रोकती है बच्चा उसी को अपन क्या बोल देगा यहाँ पे, ठीक है, प्रति अम्ल बोलेंगे, क्या बोले, प्रति अम्ल बोलेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो यहाँ पे भैया सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसका यूज जो है बेटा क्या करते हैं, खाने के सोडा जो होता है ना उसका यूज अपन लोग करते हैं, एज ए क्या करते हैं एंटा एसिड की तरह पे यूज कर रहे होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फॉइल जो होते हैं बेटा, ठीक है, फॉइल जो यूज करते हैं उसका भी हम लोग एंटा एसिड की तौर पर यूज कर रहे होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? छोटी छोटी चीजें भाई आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, एकदम छोटी छोटी चीजें, एकदम माइन्यूट सी चीजें हैं, लेकिन आपको एग्जाम्स के अंदर इसी को पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको भी स्टार बच्चा, ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है इसको स्टार बना के एकदम फटाफट अपने कॉपी के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि ये भी हमारे हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरी बात, ठीक, अब परिरक्षक के ऊपर मैं बात करता हूं कि परिरक्षक क्या होता है आखिर, ठीक है, परिरक्षक बोलने से ही समझ आ रहा है प्यारे बच्चे कि परिरक्षक क्या होता है, जो दूसरे की रक्षा करते हैं,
क्या बच्चा, जो दूसरे की रक्षा करे। अब रक्षा किसकी करेगी, ठीक है, रक्षा किसकी करेगी, रक्षा किसकी करेगी, तो मैं बता रहा हूँ बच्चा ध्यान से सुन लेना। जब भी हम घर पे अचार बनाते हैं, मम्मी जब घर पे अचार बनाती हैं, ठीक है, मम्मी जब घर पे अचार बनाते तो उस अचार बनाते वक्त कुछ ऐसे जो है एसिड्स डालते हैं या फिर या कोई एसिडिक जो है नेचर का कोई भी सिरका डालते हैं, जिससे वो चटनी जो है, जो अचार है बेटा, ठीक है, वो जो है खराब ना हो पाए। क्लियर सारे बच्चों को, वो खराब ना, जल्दी से खराब ना हो, इसके लिए वहां पे कुछ जो है हम लोग क्या डालते हैं, परिरक्षक डालते हैं। क्या बच्चा, परिरक्षक का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको खाद्य श्रृंखला याद रखनी बच्चे, उसके बाद बच्चे ये आपको याद होना, देखो क्या होगा, कुछ खाद्य पदार्थ इतनी जल्दी क्या होते हैं, खराब होने वाले होते हैं। क्या बच्चा, कोई खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जब खाए, अभी गर्मी का दिन भी आ रहा है, ठीक है, अभी गर्मी का दिन है तो वहां पे क्या होता है, जो हमारी सब्जियां होती है वो जल्दी जो है क्या होती है, खराब हो जाती है, ठीक है, जल्दी खराब हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो क्या होता है जल्दी खराब होने वाले होते हैं, कुछ ही घंटों में क्या होता है बेटा, क्या होता है, खाने के लायक नहीं रहते। तीव्र क्या होता है, रासायनिक जैविक क्रिया क्या होती है, परिवर्तनों में क्या होती है, देखो ध्यान से, तीव्र रासायनिक एवं जैविक की, ठीक है, जैविक की तीव्र परिवर्तन के कारण यह मानव के उपयोग के लिए क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं। क्या बच्चा, असुरक्षित है, इसके कारण क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होगा बेटा क्या होता है, अखाद्य हो जाता है, जो खाने वाला जो सब्सटेंस होता है, खाने वाला जो सब्सटेंस होता है, सब्जी होगी जो भी होगी, ठीक है, उसके वो क्या होगा, खाने लायक नहीं रहता। तो उसको खाने लायक बनाए के रखने के लिए कि वो खाने लायक रहे देर तक, ठीक है, उसके तौर पर अपन जो है ऐसे जो है ठंडे जगह में रखते हैं, जैसे कि आप लोग प्यारे बच्चे क्या यूज करते हो, फ्रीज यूज करते हो, वहां पे जो है जिससे सब्जी रख देते, वो क्या होता है, खराब नहीं होता। तो वैसे ठंडे जगह में क्या होता है, बैक्टीरिया जल्दी से संक्रमण नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे यहाँ पे खाद्य परीक्षक के तौर पर हम लोग जो है नमक का यूज करते हैं, और साथ ही साथ जब आप लोगों ने अचार बनाते देखा होगा मम्मियों को, तो वहां पे क्या होता है, एक सिरका यूज करते हैं बेटा, उस सिरका को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बच्चा, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये दो प्राइम एग्जांपल बच्चे आपको जो है बहुत गलत तरीके से अपने कॉपी के अंदर लिखना होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, एकदम बहुत ज्यादा एग्जांपल, बहुत ज्यादा प्राइम एग्जांपल, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब देखो बच्चे, हम लोग जो है कृत्रिम मिठास के बारे में बात करने, कृत्रिम मिठास भैया, जब आपने गोलगप्पे खाए, सॉरी गोलगप्पे नहीं यार, गोले खाए होंगे, बर्फ के गोले, गोलगप्पे नहीं यार, गोलगप्पे मुंह से निकल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भैया गोले की बात कर रहा हूँ मैं, गोले जब खाए होंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, जो गोले बनाते हैं वो एक जो है ऐसा हाथ से डाल के जो है बॉटल से क्या करते हैं, एक जो है एक चाशनी टाइप का कुछ डालता है, ठीक है, एक चाशनी टाइप का कुछ डालता है, कि नहीं डालता, ठीक है। तो उसी को हम लोग बेटा कृत्रिम मिठास के बारे में बात करें, कृत्रिम मिठास के तौर पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ तरीके बात करेंगे, सैकरीन क्या होता है आखिर, ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसको कृत्रिम तरीके से मिठास देने के लिए हम लोग जो खाद्य पदार्थ यूज करते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम मिठास के तौर पर बात करेंगे। कृत्रिम मिठास है, कृत्रिम मिठाई हमारी वो है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो इसकी सैकरीन की मैं बात करूं, सैकरीन क्या होता है, सैकरीन बोलने से ही शक्कर के बारे में यहां पे हमको पता चल जा रहा है कि भैया यह क्या होता है, शक्कर की तुलना में 300 गुना कितना मीठा, सोच रहे हो, शक्कर एक तो इतना मीठा, उससे 300 गुना मीठा होता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है पेय पदार्थों जैसे पान मसाला सुपारी, ठीक है, इन सारी चीजों में किया जाता है, डायबिटिक के लिए बेटा, डायबिटीज लोगों के लिए क्या होता है, मोटे व्यक्तियों के लिए द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो हमारे क्या होता है डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा जो मीठा खा लेते हैं इसलिए उनको डायबिटीज हो जाता है। तो ऐसे लोगों पे आपको देखा होगा कि भैया वो लोग जो है बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पान खा रहे होते हैं, या फिर भैया वो क्या करते हैं, अब पान मसाला सुपारी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इन सारी चीजों में क्या होता है, सैकरीन जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो यहाँ पे बात आपको पता चल गया, अब मैं भैया आपको साइक्लोमेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे साइक्लोमेट्स क्या होता है, यह शक्कर की तुलना में क्या होता है, लगभग 30 गुना अधिक होता है, ये 300 गुना, ये 30 गुना, ठीक है, ये 30 गुना, ये जो हमारा जो साइक्लोमेट्स जो बेटा वो 30 गुना क्या होता है, अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग जो है हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स में कर रहा था, मतलब आप लोग जो बेटा आज सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स का चलन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, आप लोग ऐसे जूस पीते हैं, वहां पे क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, किसका, साइक्लोमेट्स का, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है। इसके बाद बच्चे हम लोग जो है पॉलीऑन्स के बारे में बात करते हैं, पॉलीऑन्स आखिर क्या होता है, पॉलीऑन्स क्या बच्चे, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत सॉर्बिटॉल क्या होता है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल एवं जाइलिटॉल आते हैं। क्या बच्चे, सॉर्बिटॉल मैनिटॉल एवं जाइलिटॉल आ रहे होते हैं, जॉलिटॉल, ये सारी चीजें आप लोग फटाफट याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, ठीक है, सिर्फ तीन चीजें आप रखनी है, सॉर्बिटॉल मैनिटॉल बच्चा और क्या होता है, जॉलिटॉल आते हैं। सॉर्बिटॉल का आयोग जो बेटा क्या होता है, चॉकलेट और आइसक्रीम के उपयोग में किया जाता है। जब भी आप लोग बेटा चॉकलेट और जो है आइसक्रीम का फॉर्मेशन जब फैक्ट्रीज में होती है, इंडस्ट्री के अंदर होता है, तो यहाँ पे दो चीजें यूज की जाती है, बेटा क्या होता है, पहला सॉर्बिटॉल, ठीक है, सॉर्बिटॉल और भैया मैनिटॉल, यहाँ पे दो चीजें यूज करती है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, जिससे आपका चॉकलेट या फिर आइसक्रीम जो है थोड़ा मीठा लगता है,
ठीक है, मीठा लगने का कारण पता चल गया, क्लियर है सारे बच्चों को। अब थोड़ा सा चौथे हुक के ऊपर बात करते हैं भैया, चौथा जो होता है हमारा एस्पार, ठीक है, एस्पार्टेम। क्या बच्चा? एस्पार्टेम, ठीक है। एस्पार्टेम जो है अभी आपको क्लियर नहीं होगा, वर्ड से आपको क्लियर नहीं हो, जैसे कि ये सारी चीज यहाँ पे वर्ड से क्लियर हो जा रही थी ना, तो यहाँ पे एस्पार्टेम बोलने से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको याद करके रखना है। क्या होता है प्यारे बच्चे, यह शक्कर की तुलना में क्या होता है, 150 से 150 से क्या बच्चा 200 गुना अधिक होता है। पहला वाला कितना था? पहला वाला 300 गुना था, पहला वाला 300 गुना था, दूसरा वाला 30 गुना था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो तीन जो है सब्सटेंस के बारे में पढ़े, तीन सब्सटेंस के बारे में, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल और जो है जालिटॉल के बारे में पढ़े। उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या बात हुआ, 150 से जो है 200 गुना क्या होता है भैया, एस्पार्टेम जो है क्या होता है, मीठा होता है। क्या बच्चा? मीठा होता है। किसके? शक्कर की तुलना में, शक्कर की तुलना में भैया 150 से जो है 200 गुना जो है अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग बच्चे हम लोग जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में करते हैं, किसमें? सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, च्युइंग गम खाते हो, ठीक है, इन सारी चीजों में क्या होता है बेटा, इसका यूज जो है किया जाता है। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम लोग पूरा अपना ओवरऑल जो है, ठीक है, ओवरऑल हमारे दैनिक जीवन में रसायन थी, इसके आप लोग यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो है, जो फंडामेंटल से जो सारी चीजें यहाँ पे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं बच्चे, ऐसे टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब बच्चे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वाला लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं, होप सो इस साल भी जो वहां से क्वेश्चंस आ जाए। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग जो है साबुन के बारे में पढ़ने वाले, पूरा कंप्लीट ओवरऑल जो बेटा सोप के बारे में फॉर्मेशन पढ़ेंगे, आखिर सोप में क्या क्या चीजें होती है, एस्टिडेट कैसे बन रहा होता है, कैसे जो है वहां पे जो है हाइड्रोफिलिक होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चे ये जो है वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।